नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले, इस वर्ष आप अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यानी कि आप चाहेंगे तो अपनी महत्वाकांक्षा तभी पूरी होगी जब आप अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा देंगे। जो लोग व्यावसायिक क्षेत्र में है, यानी व्यावसायिक कार्य जो करते हैं, उन लोगों के लिए वर्ष विशेष उपलब्धि कारक होगा। परंतु व्यवसाय में इस वर्ष अपेक्षाकृत श्रम अधिक करना पड़ेगा। यानी कि आपको लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई आपको परिवर्तन भी करना पड़े। वर्ष के मध्य में, यानी कि जून जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ष के मध्य में कुछ व्यर्थ कार्यों में धन व समय लगाने की स्थिति बन सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप उसमें ज़्यादा खर्च कर दें या ज़्यादा समय उसमें बर्बाद कर दें, ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं। नौकरी धंधे में अनचाहे स्थान परिवर्तन हो सकता है। यानी जो लोग नौकरी धंधा करते हैं, उनमें, उनके स्थान में, या जो उनका कार्यस्थल है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। यानी कि ट्रांसफ़र होने की भी संभावना है। नए उत्तरदायित्व आपको मिल सकते हैं, यानी कि कुछ नए काम आपको मिल सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो कि अनपेक्षित बदलाव आ सकते हैं। इस वजह से, यानी जो आपको नया काम मिले, उस वजह से आप जो नहीं चाहते हैं, इस प्रकार का बदलाव आपको मिल सकता है, आपको करना पड़ सकता है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, यानी राजनीति में आप रुचि रखते हैं, या आप एक राजनेता हैं, तो जिन प्रतिद्वंद्वियों को आप पहले हरा चुके हैं, यानी ऐसे लोग जिनको आप मात दे चुके हैं, वो भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं, उभर सकते हैं, और वो लोग आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कारखाना मालिक हैं, तो संयंत्रों के नवीनीकरण एवं मौजूदा संपत्ति के अधिकतम उपयोग जैसे कार्यों में नई तकनीक अपनाने का विचार आपके मन में प्रबल होगा। यानी कि हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो और आप चाहते हैं कि उसमें कोई नई मशीनरी लगाई जाए, तो ये काम आप कर सकते हैं, और ये जो आपका विचार है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अप्रैल के बाद आप इन कार्यों के रूप में परिणित भी कर सकते हैं। यानी कि अप्रैल महीने के बाद ये जो कार्य है, यानी कि नई मशीन लगाने का जो कार्य है, वो आप कर सकते हैं। यदि आप एक किसान हैं, तो इस वर्ष खेती के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। यानी कि आप खेती किसानी करते हैं, हो सकता है कि आप शहर में रहते हों, लेकिन खेती किसानी अगर आप करते हैं, तो इस बार जो फसल है वो अच्छी आएगी, यानी पैदावार इस बार अच्छी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती में या फिर आपके घर पे सोलर बिजली लगाने का अगर आपका मन है, तो आप किसी अनुभवी इंसान से या जो सरकार से संबंधित ऐसे इंसान हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं, और वो आपको सहायता करेंगे भी, और इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ तक शादी विवाह की बात है, तो शादी विवाह से संबंधित कार्य बनेंगे। नौकरी में मनमाफिक तबादले के भी योग बन रहे हैं। यानी जो केवल नौकरी करते हैं, ऐसे लोग जो नौकरी ही करते हैं, उन लोग का तबादला भी हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण आपका हो सकता है। लेकिन ये बात को आपको ध्यान रखना है कि अधिकारी वर्ग से आपको परेशानी मिल सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी कहीं नई जगह हम जाते हैं, कहीं नई जगह हमें तबादला होता है, तो वहाँ के जो अधिकारी वर्ग है, उनसे थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उच्च रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसका कष्ट आपको हो सकता है। अगर इन कष्टों से आप बचना चाहते हैं, इस परेशानियों से आपको अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको शिव जी की आराधना जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप मूंगा हाथ में धारण जरूर करें, और वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पर कार्य करें, वहाँ पर लोगों की सेवा करें, और साथ ही फलदार वृक्ष अगर आप लगाते हैं, तो ये आपका साल में जो भी प्रॉब्लम आएगी, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये था मेष राशि वाले लोगों का
हाल यानी मेष राशि वाले लोग का जो इस साल क्वेश्चन रहेगा वो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।